चलिए फ्रेंड्स अंदर चलते हैं और पता करते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं घर पे था, घूम रहा था इधर उधर, तब तक सुनाई दिया कि यहाँ पे बुधरवार के साइड आसपास में एक कुन्नूर गांव है ना, कुन्नूर गांव है, वहाँ पे कुश्ती हो रहा। तो हम लोग निकल चले देखने के लिए फ्रेंड्स, और चलिए आप लोगों को भी दिखाएंगे। और मुझे तो कुश्ती देखने में बहुत आनंद आता है, दिन भर समझ लीजिए कुश्ती चले ना तो मैं तो खाना भी ना खाऊं। और कल का वीडियो में आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे भैया हेलमेट आप लगाओ, तो जैसे मैं गया था नज़दीकी में तो इसके वजह से फ्रेंड्स हेलमेट नहीं लगाया था, पर जैसे मैं दूरी जाता हूँ तो हेलमेट लगा के जाता हूँ। और हेलमेट खरीद कर रखा हूँ मैं निंजा का, तो आपको दिखाऊँ यहाँ पर ये जो भाई ये लगा कर बैठे हैं, एक बार आगे से दिखा दूँ। तो हम दोनों आदमी देखिए जा रहे हैं देखने के लिए कुन्नूर में, और चलिए वहीं पे चल के मिलते हैं। अभी हम लोग है रास्ते में, ये कौन सा गांव पड़ेगा, ये जमुनी बरवा, ये जमुनी बरवा है। जमुनी बरवा का यहाँ नहर देख रहे हैं आप लोग, इस नहर पे हम लोग रुके थे और यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो टाइप का मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि मतलब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं, अभी वहीं पे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, पता करते करते अभी हम लोग कुन्नूर मेला के पास आ गए, मतलब बहुत ज़्यादा घूमना पड़ा है। और यहाँ आने के बाद अभी अंदर घुसने से पहले मैं अपना कैमरा ओपन कर लिया हूँ और चल रहे देख रहे हैं हम लोग इधर हो रहा है कुश्ती। तो फ्रेंड्स, सामने आप लोग स्कूल देख रहे हैं, इसी स्कूल के अंदर मेला लगा हुआ है और ये रावण का मेला है। तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ दिखाऊँ, ये देखिए नीला कलर का रावण जो है दिख रहा है, बड़ा वाला रावण, ये देखिए कितना बड़ा रावण बना हुआ है। तो इसके अंदर चलेंगे और अभी तो देख रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा कि कुश्ती किधर हो रहा है, तो यहाँ पर रुक के हम लोग पहले पता करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ जैसे देख रहे हैं दुकान वकान लगा हुआ है। ये कहीं देख के किनारे गाड़ी खड़ी आवा, चलिए फ्रेंड्स अंदर चलते हैं और पता करते हैं। तो अभी लगता है मेला पूरा बढ़िया से लगा ना, ये भी और भी दुकानें आएंगी। यहाँ देख सकते हैं मेला लगा हुआ है और हम लोग कुश्ती देखने के लिए आए, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स कि कुश्ती किधर हो रहा है। तो चलिए पहले किसी से पूछते हैं, पता करते हैं कुश्ती होगा कि नहीं होगा, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो आइए पता करते हैं फ्रेंड्स। चाचा, यहाँ पे कुश्ती होने वाला था? नहीं, जैसे बुधवार में कुश्ती हो रहा था तो वहाँ पे हलाउंस हुआ था, वहाँ पे हलाउंस हुआ था चाचा, हलाउंस हुआ था ना, लेकिन कुश्ती नहीं हो रहा यहाँ पे। यहाँ कुश्ती नहीं हुआ, कहाँ अलाउंस हुआ है? नहीं, सुन रहे हैं बुधवार में अलाउंस हुआ था ना, मंगवा का अलाउंस भाई भाई। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम लोग भी सुन करके ही आए हैं कि बुधवार में अलाउंस हुआ था कि यहाँ पे कुश्ती होने वाला है, लेकिन ऐसा कोई माहौल दिख नहीं रहा कुश्ती होने वाला। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे, और चलिए आप लोगों को नज़दीकी से दिखाएंगे रावण, जो रावण बना हुआ है। उससे पहले हम लोग मेला में आए हैं तो पहले कुछ खा लें क्या भाई, क्या खाएँ? तो चले पहले फुल्की खाएंगे, उसके बाद चलेंगे बढ़िया से रावण देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। फ्रेंड्स, किधर चला जाए, बाहर चला जाए? तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं बाहर और चलिए आपको भी दिखाते हैं। और ये कौन सा जगह है, पोस्टर लगा हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे बढ़िया से। ये स्कूल है, और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कभी इससे पहले आया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ, और ये बस कुश्ती के लिए मैं आया, कुश्ती देखूँगा और वीडियो भी शूट करूँगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ स्कूल अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर मेले में आए हुए समस्त, और नीचे देखिए ग्राम प्रधान कुन्नूर, ये प्रधान जी का चित्र है, फोटो है। तो चलिए चलते हैं हम लोग फुल्की खाने के लिए फिर। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हम लोग फुल्की खाएंगे और उसके बाद चलेंगे अंदर, तो आपको भी दिखाएंगे जो भी मेला लगा हुआ है और जो रावण का मूरत बना हुआ है वो भी नज़दीकी से देखेंगे। तो पहले फुल्की उल्की खा लेते हैं भैया, एकदम तीखा बनैया, ठीक ना, थोड़ा ताक लग कैमरा भैया। तो अभी फुलकुल की खा लिए फ्रेंड्स और चल रहे हैं अंदर, और चलिए घूम के पूरा आप लोगों को दिखाते हैं और उसके बाद चलेंगे उधर जो रावण का मूर्ति बना हुआ है उधर भी चलेंगे देखेंगे।
देखिए कोई खास बड़ा मेला तो नहीं लगा हुआ है, और ये देखिए इधर झूला वूला भी लगता लगा हुआ है, पता नहीं चल पा रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों का खिलौना उलौना, मिठाई उठाई जो भी है। और मैं फुल्की खाया तो इधर थोड़ा सा पानी उन्हें गिर गया ऊपर, मुझे लगा कि मेरे माइक में चला जाएगा, लेकिन खैर सही है माइक में नहीं गया फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए सामने हम लोग आ गए स्कूल के पास। ए डब्लू भाई, मालिक कहाँ मिली है मालिक? अगर उनसे पूछाई तो आखिर हलाउस भाई लला तो बहुत का है नहीं। यहाँ देख सकते हैं, हाँ चाव हिंजा चला जाए। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स ये सब स्कूल है, और यहाँ पूरा अच्छा जगह है, एकदम बढ़िया से मेला लग सकता है। नमस्कार सर जी, यहाँ पे कुश्ती होने वाला था ना, जिसे बुधवार में अलाउंस हुआ था कि यहाँ पे कुश्ती होने वाला है, कभी हुआ नहीं है लेकिन जैसे सुनने में आया कि होने वाला है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पूरा एकदम स्थाई पता कर लिए, कुश्ती नहीं होगा यहाँ पे। और उधर हमारे यहाँ पूरा हल्ला हुआ है कि कुश्ती होने वाला है, कुश्ती होने वाला, क्योंकि यहाँ पे बुधरवार में शायद कुश्ती हुआ था, तो कह रहे थे कि वहीं पे अलाउंस हुआ था कि कुश्ती होने वाला भी है कुंदर में। तो जब मैं सुना कि यहाँ कुश्ती होने वाला है इतना नज़दीक में, तो मैं सोचा कि ज़रूर जाऊँगा, पर क्या किया जाएगा नहीं हो रहा। तो पर हाँ इसके आगे फिर होने वाला कहाँ पे पकड़ियार, हाँ इसके बाद फिर होने वाला और ही में, वहाँ तो क्लियर कन्फर्म है ना, वहाँ पे कन्फर्म है, वहाँ पे हम लोग जरूर जाएंगे। तो चलिए चला जाए इधर। तो यहाँ देखिए सामने से अगर हम आपको दिखाएं रावण को, तो यहाँ देखिए, और चलेंगे एकदम उसके नज़दीक से। और ये पूरा फील्ड टाइप का है फ्रेंड्स, इसमें जितना चाहे उतना बड़ा मेला लगा सकते हैं लोग, पूरा जगह है। और हमारे यहाँ वो जो हमारे साइड में एक बारी गांव है, वहाँ पे भी मेला लगता है, वहाँ पे भी रावण का ही मेला लगता है, वो भी लगने वाला है बहुत जल्दी, हमारे ख्याल से एक आध महीना और होगा, नहीं 30 तारीख को अगले में, इसी महीने में 30 तारीख को है। तो वहाँ पे भी हम जाएंगे, और वहाँ पे तो हम पढ़े हुए हैं छोटे से, वहाँ बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ देखिए आ गए हम रावण के पास, और थोड़ा और नज़दीकी से अगर वीडियो दिखाएं तो यहाँ रुक करके, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, और ये भैया लोग बैठे हैं नीचे। और देखिए हम लोग हेलमेट वेलमेट लेके चले थे, क्योंकि आप लोगों का हमेशा कमेंट आ रहा था, 2-3 वीडियो में हमारे कमेंट आया कि भाई कहीं भी जाओ हेलमेट लगा के जाओ। तो हेलमेट मैं लगा के जाता हूँ, जब भी लंबा टूर पे जाता हूँ तो हेलमेट लगा के जाता हूँ फ्रेंड्स। और जैसे हमारा चौराहा और गाँव साथ में ही है, तो इतना दूर का अगर मैं हेलमेट लगा के जाऊँ तो, हाँ ये बात एक बात और भी है, खतरा तो कहीं भी कभी भी हो सकता है, 10 कदम पे या 100 कदम पे, लेकिन मैं इतना दूर का हेलमेट लगा के जाऊँ तो लोग सोचता हूँ हंसेंगे। तो चलिए ठीक है, आज तो मज़ा नहीं आया मुझे, कुश्ती देखा होता तो बहुत मज़ा आता, और आप लोगों से पूछ भी नहीं सकता किस तरह से पूछूं, कि जिस चीज़ का वीडियो मैं बनाने आया था उस चीज़ का वीडियो तो बना नहीं पाया, पर मेला जो देखा दिखाया तो इसका वीडियो जो शूट किया ये वीडियो आप लोगों को डालूंगा। अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, इस तरह का वीडियो अगर आगे बना तो मैं नहीं डालूंगा फ्रेंड्स। और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।